प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव का नतीजा जाट और दलित मतदाताओं के रुख से तय होगा। फिलहाल दोनों ही जातियों में सत्तारूढ़ भाजपा के प्रति नाराजगी का भाव दिख रहा है। विपक्ष की एकजुटता और सपा बसपा के बजाय अजीत सिंह की पार्टी के उम्मीदवार की मौजूदगी ने भाजपा की बेचैनी बढ़ा रखी है। भाजपा ने अपने दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांगा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उनके मुकाबले विपक्ष की तरफ से रालोद की तबस्सुम बेगम है, जिन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार की हैसियत से भाजपा के हुकुम सिंह को हराया था। इसके बाद पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में तबस्सुम के बेटे ने सपा से उम्मीदवार बनकर मृगांगा को मात दी थी। जहां तक 2014 का सवाल है, तब भी भाजपा के हुकुम सिंह को 50% वोट ही मिल पाए थे। बहुकोणीय मुकाबले और कैराना से हिंदुओं के पलायन के प्रचार से हुए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने उनकी राह आसान बना दी थी, पर अब हालात बदले हुए लग रहे हैं। भाजपा के जाट सांसद बालियान से किसानों ने पूछा कि मोदी सरकार ने जाटों को ओबीसी आरक्षण देने का वादा पूरा क्यों नहीं किया, गन्ना किसानों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, कर्ज माफी के नाम पर उनके साथ मजाक क्यों किया गया। बालियान ने इन सवालों के जवाब देने के बजाय वहाँ से खिसकने में ही भलाई समझी। उधर अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर लड़ रहे हैं। वे इस उपचुनाव को जाट और मुसलमानों की एकता की बहाली का अवसर बता रहे हैं। तो अब देखना होगा कैराना उपचुनाव में किसकी जीत और हार होती है। इस खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।